करे अगर बिल्कुल रियल वोटिंग है कि भाई कति रियल ही रियल रखना, तो देखो मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। एक बार भाई ये का सीन है यार। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अपने निकल लिया भाई मुंबई तक, वापस जा रहे हैं अपने घर पे। बहुत तगड़ा मौसम हो रहा, सिर्फ बारिश हो रही थी भाई। बारिश कब रुकी है करो, मैं क्या बोलूं, मेरे ऊपर कैमरा कर दिया भाई। बारिश का रुकी, कटर तो जाग रहा था उस टाइम, मैं सो गया था भाई। फोन चला दे, चला दे भाई। क्या तगड़ी नींद आई हमको, कभी है भाई होटल में ऐसी नींद ना आई, भगवान का सब मजाक छट के। इस वाले होटल में ना मेरा कम मजा आ गया कि सोते रहे। अब निकल लिए भाई, अब पहुंचेंगे हमारे होटल तक। 9 मिनट दूर था बस एयरपोर्ट, तो हम अपने टाइम तक बढ़िया निकले। मैं कहा चल कोई ना, ज्यादा दूर भी ना है तो अपने निकल लिए। अब थोड़ा रास्ता अलग सा लग रहा, पर ये समझ आ रही है भाई, यहाँ के लोगों को वो नहीं है क्या? देखो कहीं भी चल देते हैं वो लोग, मतलब नहीं, गाड़ी आ रही है जा रही है ना, वो बस चलते रहते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ चलते रहते हैं गाइस, चाहे गाड़ी आए, ट्रक आए, कुछ आए, वो अपने आप रुक जाएगा। या फिर ये मकसद रहता है कि वो लोग रुकेंगे, हम लोग क्यों रुके? हाँ ये अंडरस्टैंडिंग है सब में कि वो रुकेगा ना, हम क्यों रुके। तो ये वाले सिस्टम से चलती है मुंबई। कोई नहीं भैया, अभी एयरपोर्ट पहुँचा दो हमको। धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा। गाइज भाई ने पूछा भी कौन सा चैनल है अपना, तो मैंने बता दिया भाई अपना वसीम सैफी ब्लॉग्स के नाम से हम वीडियो बनाते हैं। भाई का नाम है सरताज, तो भाई एक बार बोल दो ना सब मेरे को सब्सक्राइब कर लो भाई, इनको सब लोग सब्सक्राइब करो। इनका चैनल का नाम है वसीम सैफी। धन्यवाद भैया, भाई सिस्टम। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, थैंक यू भाई। ऐसा हो रही है एंट्री। दिखाना जरूरी है क्या ये सब? दिखाना जरूरी है ना तुम्हें? बाहर के बादल क्यों दिख रहे? नहीं नहीं भाई, बादल ही नहीं है, सॉरी गाइस। बारिश आ रही है, बारिश, लैंड नहीं कर पा रहे हम लोग। मेरे तो यहाँ कुछ हो गया, इधर की साइड भाई। अब ना सारे गवार खड़े हो जाएंगे, 5, 4, 3 अभी रुकी है, अभी रुकी है जस्ट, ठीक है। और सारे जो जो खड़े हुए सब गवार, ठीक है। 5, 4, 3 तो लगने दे पहले, फिर खड़े होंगे ना ये लोग। जो चल रही है क्या? चल तो रही है, अभी रुकने दो। मैंने लगन बोल दिया था ना आपको, अभी देखना तो मजा आएगा भाई। लोगों को पता नहीं है कि पहले खड़े नहीं होते यार। ये क्या कह रहा भाई? हाँ मतलब निकल रहा हूँ बस। आपसे निवेदन है कि द्वार खोलने के बाद कृपया विंडो शील्ड्स बंद करें, बता रहा हूँ, और एयरबैग्स खोल दें। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देखें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि एयरफोन या चश्मे विमान में न रह जाए। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। ये दूसरा यू आर फ्री टू यूज योर मोबाइल फोन नाउ, वी रिक्वेस्ट यू टू क्लोज द विंडो शेड एंड ओपन द एयरबड्स आफ्टर द कॉल। गाइस फाइनली हमारा शहर, हमारा गांव आने वाला भाई। अपने वापस आ गए, कौन सी जगह आगे? अपने हरियाणा में, दिल्ली में, दिल्ली हरियाणा में आगे भाई अपने वापस। अब थोड़ा जी में जी सा रहा कि खुला खुला सा लग रहा कि वाह, सांस नहीं आ रही थी भाई। वहाँ यार बहुत टाइम बाद गया मैं, और आदत नहीं ना अपने को, इतने सारे लोग और घर छोटे छोटे से, बिल्डिंग छोटी छोटी सी, मतलब ऐसा लग रहा कि छोटे छोटे से जैसे कटारिया का वैसा सब छोटा छोटा। नलके एल्विस, नलके एल्विस नलकी। तो भाई क्या सीन हुआ, हम वापस आ गए, अपने जो काम करने गए थे वो कर दिया, अब वापस आ गए भाई। मस्ती कर दी हमने तो भाई, तुम्हें बहुत जल्दी वो मिलेगा हमारी नई मूवी का टीजर, आज की 420 जिसमें कटारिया के गैल मेरी आज की दिखा रखी है, जिसमें एलविस की स्मूच ले गए, किसे गैल और मैं हूँ स्मूच। यार कैसी कैसी बात कर रहे हो, कोई नहीं अभी तो घर पहुँचते हैं यार, है ना। मुझे तो याद आ रही थी अच्छी तेरी, तू कहाँ था यार? ओसन वाटर भी पी, अभी खरीद के लाया हूँ ओसन वाटर पी रहा। आज स्ट्रीम करे करे? नहीं मैं तो करने की सोच रहा हूँ, कर लो फिर जाओ। ओके एक बार भाई ये का सीन है यार, मैं बता दिया था, टेप सी लगा रखी है इंदू पर। इंदू पे भाई ये क्या कर रहा है? मुझे यूँ लग रहा किसी सेकंड हैंड गाड़ी किसी ने खरीदी होगी है, तो स्टिकर उतरा नहीं तो लगा दिया। ओके ओके तुम्हारी तो नहीं है? आधी घंटा मार के होंगी।
वहाँ पे तो भाई हर मोड़ पे जामता है, थोड़ा बहुत खुला पता है। अब यहाँ तो रोड भी करे भाई अलवेश, यहाँ तो कार लगी हुई थी। यहाँ आइसक्रीम वाले देखो कैसे अकेले खड़े हैं, कोई इनको छेड़ नहीं रहा भाई। देखो महादेव, ये देखो महादेव जी की मूर्ति भी हमारे यहाँ पे भाई। वाओ, मैं गोलगप्पे खवा दो, वजीराबाद मिलेंगे। गाइस फाइनली मेरी एंट्री हो चुकी है भाई साहब हमारे घर, और घर में एक प्राणी जो हमेशा मिलता है, अपना मोटा। आजा भाई मोटा। मैं कह रहा हूँ मैं एक दिन के लिए, पता है एक दिन के लिए मुंह में चला गया, आपको याद नहीं आई मेरी? एक दिन के लिए मुंह में चला गया, एक दिन, पता कितने दिन होते हैं एक में? 24 घंटे। यस यार, मैं 24 घंटे दूर था आपसे भाई, याद तो ना होगी। आई ना आई, आज की 420 की शूट पे थे हम। आई मैंने बेटा, बहुत याद आई थी। कुछ ना आया आपने यार, ये तो मुझे पता। और भाई मुंबई में पता अभी कितनी सफोकेशन थी, कितने सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे कितने खुल के रहते हैं हम। वहाँ भीड़ है ज्यादा, भीड़ सिर्फ भीड़ है उधर। अंधेरा क्यों होगा? कुछ ना, अंधेरा ब्राइटनेस कम हो गई क्यों? सिस्टम है, सिस्टम है भाई। भाई बहुत भीड़ है यार बॉम्बे में ना, मतलब वहाँ के लोगों की। ऐसी नहीं कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे कह रहा हूँ कि चलता शहर है, हर आदमी को जल्दी करना, मतलब सब लेट हो रहे हैं हर चीज के लिए, चल रहा है सब चीज चल रही है। चलते रहे रोड तो। अरे यार वहाँ ज्यादा चला है। वहाँ की मुझे एक चीज बुरी लगी कि वहाँ के लोग ना भाई, ड्राइवर जो है, मतलब जो गाड़ी मोटरसाइकिल चला, सबके पास स्क्रैचेस, सब टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, कोई रूल फॉलो नहीं करता किसी प्रकार का। और अगला आदमी ये सोचता है कि हम क्यों रुके, रुक जाएगा, ये वाली सोच है। ड्राइवर ने बताया मेरे को ऐसा। तो भाई बॉम्बे अभी तो जाना अपना थोड़ा कम होगा, क्योंकि बॉम्बे अपने को सूट नहीं करा। मैं जाती मेरा ऐसे होगी तब ऐसी खराब होगी, घुट घुट सा, एक तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, और दूसरा ऐसा लग रहा है कि यार कितने लोग हैं इधर यार, गुड़गांव में तो मैं अकेला रहता हूँ ऐसे। अभी जा रहा हूँ मैं, एक बार 46 मिनट जा रहा हूँ, स्ट्रीम कर लूँ। थाईलैंड में क्या देखा आपने? हाँ थाईलैंड में भी था भाई, हॉर्न तो कोई नहीं बजाता उधर। जाओ, कब जा रहे हो? अरे बाबा टाइम नहीं है, पैसा कमा दे। कब चलना? कल चलना, कल चलते हैं, कल थाईलैंड चले पक्का। एक बार टाइम टेबल देख लेने दो मुझे, फिर चलते। एक दो दिन का टाइम दो मेरे को, मेरी वो फिल्म पक्की हो जावे ना, तो फिल्म में जाएंगे। आज की 420 आप में उसमें बनोगे? 420 का रोल करोगे? करोगे, चलो ठीक है 420 आप आपसे क्या फिल्म दवा दूँ? ठीक है भाई 420 मम्मी करेगी उसमें। ओके मोटा मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ फिर। ओके मोटोस बाय। अरे ठीक है रे मोटो भाई, ये देखो समंदर, वाओ। लक्ष्य से बातचीत चली, लक्ष्य को ना मैं वो दे रहा हूँ लाइफ लेसन्स। ये देखो बेचारे स्विगी वाले अपनी बहू लेके जा रहे हैं, स्विगी वाले अपनी बहू लेके जा रहे हैं, इसकी बहू इधर देख रही है। और पानी पानी भरा पड़ा, छिकमा पानी भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। मैदानता के आगे जो पानी भरा ना, वाह की कसम, ये जो अल्टो पल्टो गाड़ी है ना, अल्टो डूब जाएगी उसमें भाई, मजाक सेट के, इतना ऊंचा पानी। खेची लेफ्ट तरफ फटाफट खेच लेगा जल्दी पहुंच। और योगा खड़ा, रुकियो एक मिनट, मस्त चीज खड़ी है, बता बता क्या खड़ा? अरे तो वाडी लाल खड़ा है यार, वाडी लाल पे आइसक्रीम सही रहे भैया। अरे मैं, अरे मैंने पर्चा ना चाहिए मेरे भाई, मेरे तो 10 वाली ओरेंज दे दे। सिस्टम है भाई, 10 वाली ओरेंज खावे, मौज करा है भाई। आज लाइव आया मैं, गेम बहुत कम खेला मैंने, लास्ट में खेला 2 बारी बस, थोड़ा मेरे हिसाब से 5 मिनट भी नहीं खेला होगा पूरा मैंने। आज करा हमने Q&A सेशन पूरा, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन ही आंसर चल रहे, बढ़िया मजा किया, लोग भी बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं भी बढ़िया थोड़े अपने हिसाब से दे रहा था। अपनी चल रही इस टाइम कुल्फी, एक बढ़िया सी कुल्फी ली, मैं कहा यार इन्जॉयमेंट बनी रहनी चाहिए ना जिंदगी में, समझ रहे हो? तो अभी एक भाई को, आइसक्रीम वाले छोटा लड़का था, भाई को मैंने मगा लो, मतलब ऐसे देना चाहिए कोई नीडी हो तो, मैंने 100 रुपये दे दिए। कहता थैंक यू भाई, मुझे लगा पढ़ा लिखा है, मैं कहा यार पढ़ लिख भाई, मौज कर है ना, तो जिसको जुड़ तो उसको दे देना चाहिए, समझे हो? ऐसे नहीं कि पूरी जायदाद लुटा दो, पर देना चाहिए फिर भी। और भाई मैं आजकल ना YouTube खोल रहा हूँ, इंस्टा छीक आ रही हूँ मैं बहुत तेज, YouTube खोल रहा हूँ, Instagram खोल रहा हूँ, उसमें ना हर जगह
वो दिख रहा है फुकरा इंसान भाई दिख रहा है, वरना वो दिख रही पांडा आर्मी। मैं भी पांडा आर्मी में हूँ क्या? मैं बहुत सांडा आर्मी में। तो भाई फुकरा भाई को पूरा सपोर्ट अपना। तो मेरे मन में एक सवाल था कि क्या इस बार बिग बॉस में फुकरा भाई जीत सकता है या फुकरा भाई नहीं जीत सकता। देखो अगर पब्लिक की बात करें, अगर बिल्कुल रियल वोटिंग है कि भाई कति रियल ही रियल रखना, तो देखो मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। बाकी देखो हम किसी घर का शो तो है नहीं कि भाई हमारा कि हम बना रहे हैं, करवाने वाले कुछ भी करवा सके, समझ ना। उनके हाथ में जिताना दिखाना वोटिंग वाटिंग वो थोड़ी हमारे हाथ में है कि हमने इतने वोट कर दिए, ओ भाई देखो इतने वोट करे, इतना लिखाना चाहिए, क्या बना लिखा हुआ है। वैसे तो सही है, फुकरा भाई की इज्जत भी बढ़ रही है, मतलब थोड़े पोलाइट है अपने भाई, हम तो थोड़े एग्रेसिव हैं, भाई थोड़े पोलाइटली मतलब वैसे कुछ कहता नहीं, उल्टा नहीं बोलता ना ज़्यादा, मतलब जो बोलता तमीज़ में बोलता है। ये बात भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब पब्लिक क्या देखती है, पब्लिक को सब पता होता है भाई कौन इंसान कैसा है, इसलिए जो वो शरीफ है, मतलब मैं मेरे को जहाँ तक लगता है या फिर जैसा जितना जानता हूँ मैं और जितनी भाई की पर्सनैलिटी दिखा रही कि भाई लग रहा शरीफ, तो अच्छी बात है कि भाई शरीफ बंदा है, इतनी गलत चीज़ें नहीं कर रहा, किसी को फालतू फंडों में कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा, तो अपने फुकरा भाई का प्लस पॉइंट है। और जहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया कि जीत सके या ना जीत सके, वो तो डिपेंड करता है कि शो कितना रियल है, समझे। अब एमसी स्टैन जीता, तब मेरे को लगा कि रियल तो है क्योंकि उसकी पब्लिक ने वोट करा, कि एमसी स्टैन ने वैसा अंदर कुछ करा नहीं था उतना खास, पर फिर भी जीता, समझ रहे हो ना, क्योंकि पब्लिक पावर तो सेम अपना फुकरा भाई के साथ है, पब्लिक पावर भी, और भाई कुछ कर भी रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में कि भाई फुकरा ऐसे, भाई को पूरा सपोर्ट है, मौज मस्ती काटो, बाहर आओगे वीडियो देखोगे मेरी या भाई ने बना रखी वीडियो, जल्दी आ जाओ यार, तुम्हें लेके भी आएंगे फिर, जीत के आओ जल्दी से शो, मज़ा आएगा फिर। कुछ और सोचो, कुछ अलग गेम घूम जाए और कोई बढ़ जाए बिग बॉस में, वो कुछ भी हो सकता है भाई लाइफ में ना, किसी का भी तो कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो भाई थोड़ा ध्यान से, अभी शो वालों के हाथ में सब चीज़ें, बुकरा भाई ध्यान से। चलो हम तो घर पहुंचने वाले, पीछे कौन सी गाड़ी है मेरे, घर पहुंचने वाला हूँ, अपना गाड़ी खड़ी करूँगा, अपना रोटी रोटी खा के अपना मस्त सोएंगे, अब नींद उतारूँगा मुंबई की, यहाँ गर्मी उतारूँगा। जैसे अभी गाड़ी का आ गए थे ना, दो कुत्ते निकल गए छोटे छोटे, तो बिल्ली निकला तो अब सकून रहा, कुत्ते निकला तो क्या रहा है, ये भी बताना मेरे को एक बार। गाइज मेरी छाती हिल रही है, देखो अपने आप हिल रही है, अपने आप हवा कूद रही है, ये क्या हो रहा, हवा कूद रही है, मेरी छाती हिल रही है, फटफट फटफट कर रही है, देखो मां कसम भाई मस्त सोगा था, बस पता किस लिए जाएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बोलने को तो कर देना।